सर सवाल ये है कि ये आयात अभी कुरान में हिस्से नहीं है, क्योंकि टोटल अगर निकालें तो 350 से ऊपर की वर्सेज हैं जो सूरह बरात में और सूरह आले अज़ाब में मिसिंग है, क्योंकि सूरह बकरा में 286 वर्सेज हैं और करंटली सूरह आले अज़ाब में 73 वर्सेज हैं। तो ये मुहद्दिसी नहीं जवाब दे सकेंगे क्या ये कितनी आयतें हैं। होप द आंसर इज द क्वेश्चन। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल मसीह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ। और मैं, आपका पेशा क्या है? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, और मेरा थोड़ा शौक है कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्रिश्चियन? क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन हैं? जी सर जी। अपना सवाल मुख्तसर करके पूछें ज़रा। जी सर। सर मैं सही बुखारी 3808 का रेफरेंस दे के कहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार सहाबा को रिकमेंड किया था। बुखारी, सही बुखारी, सही बुखारी 08 हदीस नंबर 3808 आके। जी जी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार सहाबा को रिकमेंड किया था कि अगर किसी ने कुरान सीखना है तो इन चार सहाबा से सीखे, जिनमें हज़रत उबई बिन काब थे, अबू हज़ैफ़ा के गुलाम सालम थे, माज़ बिन जबल और अली बिन काब। उबई बिन काब उनका नाम है। चार सहाबा दिखा रहे, वो देख लीजिएगा। अच्छा, आपका सवाल क्या है? अच्छा, अब उबई बिन काब से मुस्तदरकुल हाकम में एक हदीस है, हदीस का नंबर है 8068 और उसमें सही है उसको बुखारी और मुस्लिम की शरायत पे। हजरत जर फरमाते हैं, हजरत उबई बिन काब सूरह अहज़ाब पढ़ रहे थे, मैंने कहा इसकी 73 आयात हैं। उन्होंने फरमाया सिर्फ, मैंने कहा सिर्फ, आपने फरमाया मैंने देखा यह सूरह तो सूरह बकरा के बराबर है और हम इस आयत में जो पढ़ा करते थे उसमें यह भी थी, शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत जब जना करे तो इन दोनों को लाजमी तौर पर रिजम कर दो, अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। इसी तरह की हदीस सूरह बकरा, भाई साहब आप रेफरेंस 2-3 दे चुके हैं, आप अपना सवाल पूछें। आपका सवाल क्या है? सर सेम तरह की जो कोटेशन है सूरह उसके बारे में आती है, सूरह बरात के बारे में। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि ये आयात अभी कुरान में हिस्से नहीं है, क्योंकि टोटल अगर निकालें तो 350 से ऊपर की वर्सेज हैं जो सूरह बरात में और सूरह आले अज़ाब में मिसिंग है, क्योंकि सूरह बकरा में 286 वर्सेज हैं और करंटली सूरह आले अज़ाब में 73 वर्सेज हैं, उसमें से माइनस करें तो 213 वर्सेज सूरह आले अज़ाब में और 157 वर्सेज जो सूरह बकरा सूरह तौबा में मिसिंग हैं, तो ये टोटल 350 से अबव बनती हैं। तो काइंडली मुझे बता दें कि इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। भाई साहब ने सवाल किया है कि सही बुखारी की हदीस है कि साहबा कहते हैं कि सूरह अहज़ाब में जो आयतें हैं वो ज़्यादा है, अभी कम है, और उनने गिनती की कि 200-300 अभी कम है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुरान मजीद में कुछ आयतें हैं जिसे कहते हैं एब्रोगेशन, मतलब कुरान की आयतें सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, 106 और 109 के हम अल्लाह ताला आयतें को भुलाता नहीं, लेकिन उसके बदले बेहतरीन आयत पेश करते, तो उसे कहते हैं एब्रोगेशन को अरबी में क्या कहते हैं? नसक। नसक, नासिक और मनसूख, नासिक और मनसूख। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ हदीस भी मनसूख हो जाती, मतलब अभी एप्लीकेबल नहीं, तो उसी तरीके से कई कुरान के आयतें हैं जो अगर जो स्कॉलर्स है वो स्टडी करके ये करते रिसर्च करके पता चलता है कि कुछ नासिक और मनसूख है, मतलब एब्रोगेट की जाती, तो स्कॉलर्स इसके ऊपर स्टडी करते हैं हदीस की रोशनी में, ये उन्हें पता चलता है, क्योंकि हमारे हिदायत की किताब 2 है, कुरान और सही हदीस। सिर्फ आप कुरान पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं, जरा भी प्रॉब्लम नहीं। जब हदीस पढ़ते हैं तो हदीस 3 किस्म की होती है, मोटे मोटे हाई तो किस्म, एक सही, एक ज़ईफ़ और एक मौज़ू।
सही मतलब ऑथेंटिक, ज़ईफ मतलब वीक, और मौजू मतलब गड़ी हुई। इस तरीके से तो कई, ये तो एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, कई किस्म है क्लासिफिकेशन के हदीस के। तो जहां तक कि कुरान की आयतें, कुरान ऑन इट्स ओन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हदीस में, हदीस के अंदर आपको पहला देखना पड़ेगा हदीस सही है कि ज़ईफ है कि मौजू है, और इसके बाद हमें तहकीक करना पड़ेगा कि ये हदीस जो है वो कुरान से मिलती है क्या नहीं। तो इसके अंदर मुहद्दिस कुरान के तफस अलू अहल जिक्री इन कुंतला तालम, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये जो फन है मुहद्दिसिन का फन है, ये मुहद्दिसिन का फन है कि वो हदीस को देखते हैं कि हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो क्या कॉन्टेक्स्ट में, और इसको लेके वो तहकीक करते हैं और फिर जवाब देते हैं। तो ये फन है मुहद्दिसिन का, किसका, जो हदीस के एक्सपर्ट है। तो कुरान कहता है फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये एक फन है, एक आम इंसान को जांचना ये हदीस सही है क्या नहीं वो डिफिकल्ट है। हर फन का माहिर होता है, वो मुहद्दिस सुनो तो देखते भाई रिजाल कौन है, इसकी रावी क्या है, इससे टकराता है कि नहीं टकराता है, और तहकीक करके कहते हैं कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो रावी है, सिक्का है, 8-12 कैटेगरीज है। तो एक अलग फन है, तो वो फन को बेस करके वो तहकीक करके फिर जवाब देते। तो ये मुहद्दिस ही नहीं जवाब दे सकेंगे क्या ये कितने आयते हैं। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सर नहीं, एक क्वेश्चन एट अ टाइम, आप प्लीज सब्र करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है कि आपने इतने पैसे लगाकर स्टेट गैस को बुलाया और स्टेट गैस ये कह रहा है कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है बल्कि आप किसी मुहद्दिसीन से पूछें, वो आपको बताएंगे। तो अगर ऐसा है तो किसी पाकिस्तानी मुहद्दिसीन से ही पता कर लेते इसका जवाब, बजाय इसके कि आप स्टेट गैस को बुलाते जिसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अगर हमें मुहद्दिसीन से ही सवाल का जवाब लेना था तो ज़ाकिर नाइक को हमने यहाँ पर क्यों बुलाया, आप यहाँ क्या करने आए हैं। दोस्तों अब हम चल के देखते हैं कि आखिरकार ये एब्रिगेटेड वर्सेस हैं क्या, ये कौन सी ऐसी आयात हैं जो कुरान के अंदर से गायब हुई हैं और फिर इनको इनसे बेहतर अल्लाह लेकर आए, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। आज हम इसके अंदर डीप डाइव करेंगे। सुनन इब्न माजा 1944 में हमें ये पता चलता है कि वो रजम की आयत कौन सी थी जो कि एब्रिगेट हो गई थी। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वो दूध पिलाने की आयत थी जो कि बाद में पता चला कि एक बकरी खा गई। अब अल्लाह जाने कि वो वाकई बकरी खा गई या शर्म की वजह से वो आयत को हटा दिया गया कुरान में से। ये बात सुनन अन्नसाई 3322 के अंदर आपको पता चलेगा कि असल माजरा क्या था। ये एक किताब है जो कि निकाह और शादी की किताब है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक दफ़ा नबी ने देखा कि अबू हुदैफा के चेहरे पे कुछ नागवारी है, तो उन्होंने फरमाया एक औरत को कि अपना दूध पिला दो, क्योंकि नबी अच्छी तरह जानते थे कि किस तरह से इनके चेहरे से नागवारी हटेगी। तो औरत ने बहुत हैरान होकर कहा कि ये तो बहुत बड़ी उम्र के मर्द हैं, मैं इनको कैसे अपना दूध पिलाऊं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं दिखता कि मैं भी देख सकता हूँ कि ये बड़े मर्द के हैं, मगर तुम पिला दो। और अबू हुदैफा ने जब दूध पी लिया तो उसके बाद कहने लगे कसम है उस ज़ात की जिसने आपको नबी बनाया, आप हक के साथ भेजे गए हैं, क्योंकि वो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद को अपना नबी मान लिया। उर्दू की हदीस के अंदर शर्म छुपाने के लिए ब्रैकेट में शौहर लिख दिया गया था, मगर असल में ना अरबी में और ना अंग्रेज़ी में शौहर का जिक्र है यहाँ पर कहीं पर भी। वो एक नामहरम मर्द था जिसको दूध पिलाया गया था, और यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा, बल्कि औरत ने हैरान होकर बोला हाउ कैन आई ब्रेस्ट फीड हिम व्हेन ही इज़ अ ग्रोन मैन, अगर वो बड़ा आदमी नहीं होता और अपने दूध की बात नहीं होती तो औरत इतना परेशान नहीं होती। तो हज़रत मोहम्मद ने कहा क्या मुझे नहीं दिखता कि वो बड़ी शख्स का इंसान है, तुम इसको दूध पिलाओ क्योंकि मेरा हुक्म। कुरान की आयत रजम इतनी ज़्यादा हौलनाक और शर्मनाक थी कि कई सारे रावियों ने हदीसों के अंदर इसका ज़िक्र भी नहीं किया, बल्कि एक साल के बाद एक रावी ने लिखा जिसका सबूत मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को भारत की हुकूमत ने अपने यहाँ से निकाला है और ये अब मलेशिया में रहते हैं और पाकिस्तान में है, तो मैं श्री श्री शंकर साहब को आज इस मंच से, जो कि पीस टीवी
से उन तक शायद पहुंचेगा या हमारा मीडिया बताएगा। मैं और मेरे दोस्त $5 मिलियन की पेशकश करते हैं कि वो आए पाकिस्तान, उनको चार्टर प्लेन भेजेंगे, वो आकर यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ बैठ के मुकालमा करें। ये बहसियत गवर्नर सिंध में ये ऐलान कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध साहब, आपके मुल्क पाकिस्तान में गरीब लोग अपनी जान ले रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, खाना नहीं है और अपने बच्चों को दूध नहीं देने के लिए है तो वो अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, और आप बराबर वाले मुल्क में पड़ोसी मुल्क की इकॉनमी बढ़ाना चाहते हैं $5 मिलियन का इजाफा करके। ना जाने ऐसे लोगों को कौन गवर्नर बना देता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि श्री श्री शंकर साहब कितनी आसानी से $5 मिलियन कमा सकते हैं। अगर ये आयत रजम का सिर्फ एक ही सवाल पूछ लें और जाकिर नाइक की बोलती बंद कर दें तो $5 मिलियन का इंडियन इकॉनमी के अंदर इजाफा होगा, इंक्रीज़ होगी इंडियन इकॉनमी सिर्फ एक आयत रजम के सवाल से। आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।